Assalamu alaikum viewers, welcome to another vlog. This is Faisal Shahid and you're watching Bhai ka YouTube channel. So, वो कहते हैं ना इन द स्टार्ट में आपको रिवील कर देता हूँ, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला. रमदान करीम है और आज 15वां रोज़ा है और हम लोग माशाल्लाह एक पाक सफ़र पे निकल चुके हैं. अल्लाह ताला ने दोबारा सआदत नसीब की है, इसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा. ये हमारा जो एक पाक सफ़र है, आप लोग देखते रहिए. ये रोड है, इसको हम कहते हैं, दिखाइए कैमरामैन, सलवा रोड. इट्स गोइंग टू द सऊदी बॉर्डर. इंशाल्लाह वी विल बी देयर इन 30 to 40 मिनट एट कतर इमिग्रेशन. वी विल गेट द एग्जिट फर्स्ट एंड आफ्टर वी विल इंटर इन सऊदी इमिग्रेशन. सो कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ. और ये कैमरामैन कौन है और एक भाई कौन है, वेट, आई विल शो यू. आज अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह का खास करम है कि इस पाक सफ़र के लिए हम निकले हुए हैं. तो अल्लाह पाक ये दिन आप सबको, सबके लिए भी आए. और आप सबसे गुजारिश है कि फैसल भाई का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर द वीडियोस प्लीज़. जी, तो ये आमिर भाई हैं हमारे साथ, बड़े प्यारे भाई हैं, हसन भाई के कज़न हैं. तो अभी हम तीन लोग जा रहे हैं पाक सफ़र पर. अल्लाह ताला आप सबको इस मुबारक सफ़र पर लेके आए. भाई एयर भाई लेट जैसे पहुँचे, बस मक्का में हाज़िरी हो, मदीना में हाज़िरी हो, तो बाकी की पहुँचेंगे इंशाल्लाह. मैं आप लोगों को लेके पूरे फर्दर व्लॉग में चलता रहता हूँ, सब दिखाता हूँ. इस तरह ये है कि आप भी इस सफ़र को इंजॉय कर पाएंगे. तो हम लोग पहले भी जा चुके हैं, माई पास्ट व्लॉग. ये हम बाई रोड जा रहे हैं फ्राम कतर टू सऊदी अरेबिया. सो कि हम पहुँच चुके हैं फाइनली एट द कतर इमिग्रेशन. सो यहाँ से जैसा कि प्रोसेस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले भी इन व्लॉग. ये देखें, सारा पार्किंग एरिया है, ये काउंटर बने हैं. यहाँ से हम एग्जिट स्टैम्प लेंगे. एग्जिट लेने के बाद फिर आगे सऊदी इमिग्रेशन आएगी. सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज कतर इमिग्रेशन. अर्ली आगे ये कस्टम का काउंटर है कतर का, यहाँ से हम क्लियर करेंगे. ये हसन भाई को आप देख सकते हैं पासपोर्ट की स्टैम्पें चेक करते हुए एज यूजुअल. हसन भाई हैं सब पे स्टैम्प है, चले ओके हो गया सर. फिर चलो ये आगे हम चल के कस्टम क्लियरेंस लेंगे. जब तक आप लोग देखते रहिए, आगे सऊदी इमिग्रेशन में दिखाता हूँ आप लोग. सऊदी ये रहा व्यूअर्स, आप देखें सलवा पोर्ट. तो हम लोग पहुँच चुके, अभी हम लोग ये फिंगरप्रिंट कराएंगे. आमिर भी मेरे पीछे बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं. दिस इज माय डियर फ्रेंड हसन भाई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सो अभी चल के उसी में टाइम लगना है, दुआ कीजिए कि कम से कम टाइम लगे, ताकि हम फिर जल्दी आगे का सफर जो है, हमारा जर्नी है, वो स्टार्ट करें. इमिग्रेशन जहाँ से एंट्री लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जब आप आते हैं फर्स्ट टाइम, आपको फिंगरप्रिंट कराने होते हैं. तो मेरे और हसन भी के तो हम आए हुए हैं कई बार, वो एक टाइम होता है, बार बार आप नहीं होता. आमिर भी ये जा रहे हैं, इनका होगा. सो इसमें भी इंशाल्लाह आज रश कम है, गाड़ियाँ कम है, तो जल्दी आ जाएंगे आई होप. सो ये है, सो ये आपका भाई है. सो अभी इंशाल्लाह कल जुमा नमाज़ पढ़नी है मक्का में, अफ्तारी करनी है, तरावी पढ़नी है, और उम्रा तो कल पहुँचते ही सुबह में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, करेंगे. मैं आप लोगों को अपडेट पूरी देता रहूँगा. सो आप लोग भाई के लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा. सब इस मुबारक सफ़र पर आएँ, मक्का मदीना, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि यहाँ पे आए और आगे इबादत करे, दुआ मांगे. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल. आमिर भी का फिंगरप्रिंट करा चुके हैं और ये हम लोग अभी यहाँ से इमिग्रेशन अपनी इंट्री कराएंगे इन सऊदी अरेबिया. पहले फिंगरप्रिंट कराना पड़ता है फर्स्ट टाइम. सो ये काउंटर बने हुए व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं. बस गाड़ी में आपने बैठे हुए पासपोर्ट देने हैं और उन्होंने आपकी स्टैम्प करके दे देना है. इमिग्रेशन हमारी हो गई है, एंट्री स्टैम्प. अब ये है, हम आगे हैं, कस्टम है सऊदी का, फिर इसके बाद इंश्योरेंस. इतनी इन शॉर्ट हम इंटर हो चुके हैं व्यूअर्स सऊदी में. बस ये कस्टम, ये गाड़ी चेक करते हैं वन बाय वन, क्योंकि आप एक और कंट्री से इनके कंट्री में इंटर हो रहे हैं. वापसी पे कतर ये प्रोसीजर करेगा कस्टम वाला. सो आप देख सकते हैं सारी कतर की नंबर प्लेट है. ऑफकोर्स हम कतर से जा रहे हैं तो कतर की गाड़ियाँ होंगी. सही, हम इंटर हुए. यहाँ एक सूक है, मेन सूक मार्केट को कहते हैं. यहाँ से हमने सिम एक्टिव की है सऊदी की, एसटीसी की, और यहाँ हमने अभी असिर पड़ी है नमाज की, नमाज ही निकल रहे हैं. सो अभी निकलेंगे, सफ़र स्टार्ट करेंगे. आगे कसर पड़ी है दो रकात, क्योंकि जब आप सफ़र में हैं तो कसर पड़ते हैं. इसी तरह मगरिब में पढ़ेंगे, शाम में भी, उसमें तीन वितर ऐड कर देंगे. तो अभी बस ये हसन भी लोग आ जाएँ मस्जिद से, फिर आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. हम जा रहे हैं मक्का, 1347 किलोमीटर. 3 पे यहाँ पे इफ्तारी होगी सऊदी टाइम में. कतर में 5:50 पे चल रही थी, 5-6 मिनट का फ़र्क है. सूरज यहाँ अभी तक गरूब नहीं हुआ, आप देख सकते हैं सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है. द सन इज़ ऑन राइट बिहाइंड मी. सो चल रहे हैं, अभी उम्रा करेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह. अभी तो जर्नी है, ये मज़ा आ रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं. इधर से हसन भाई, ओह
हसन भाई ने स्पीड पे ब्रेक मारी है क्योंकि कैमरा आ गया है। तो हसन भाई ये ब्रेकिंग क्यों बज रही है? ये ब्रेक इसलिए लग रही है कि इन्होंने ना छुपा छुपा के कैमरे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिन की रोशनी में मैं कह रहा हूँ स्पीड भी मार लूँ और साथ में इन कैमरों को भी पकड़ के चलूँ, ये ना कि हम बॉर्डर पे पहुंचे तो कहीं 5-6 हज़ार का मुहालसा दियो। तो मतलब पता चले वो बॉर्डर वाले कहेंगे गड्डी एंज करो सानू ही दे जाओ। हाँ जी, इसलिए तो याद करके चल रहे। बिल्कुल भाई, बाई रोड हम आए हुए हैं, मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट है, कहीं पे 140 है, कहीं पे 120 है, कैमरे रखे हुए हैं छोटे छोटे, तो आपको पड़ जाए तो 200 रियाल 500 रियाल 400 रियाल डिपेंड करता है, फाइन्स आते हैं। तो जब हम वापस आएंगे इमिग्रेशन सऊदी क्लियर करने लगेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे भाई फाइन आपका इतना आया हुआ, वो हमें देना है क्योंकि ओवर स्पीड हमने मारी है ना, तो उनका लॉ ब्रेक किया हम लोगों ने इसी तरह। तो ये अभी 140 का रोड है, 140 है सर, ये 120 है चलें, ये 120 है, फिर और भी में लिखा हुआ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो बहरहाल कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। ये सनसेट के नज़ारे देखें सऊदी अरेबिया में भी, बस बादलों ने घेरा हुआ है सूरज को और ये गरूब आफ्ताब है और इधर से ये रोड है, आसमान है, क्या नज़ारे का मंजर गरूब आफ्ताब के बाद और इफ्तार के बाद। पहला स्टॉप हमारा ये, हम रुके हैं, ये देखें हसन भाई ड्राइव कर रहे थे, पेट्रोल हम फिल करेंगे अभी गाड़ी में। यहाँ पे ये देखें दो तरह के हैं, 91-95 ये रेट है, सो अभी पेट्रोल फुल करेंगे, यहाँ से कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आगे गेयर मारेंगे टापो टाप, समझ रहे हैं। तो ये हमारे आमिर भाई हैं माशाल्लाह, प्यारे भाई हमारे साथ हैं आमिर भाई। सो अभी गाड़ी नो फुल करके कुछ और अलमराई का दूध लेते हैं, वो डेढ़ फ्लेवर वाले इधर से, तो मंदी मंदी चावल खाते हैं, तो बस सफ़र शुरू करते हैं। अभी पेट्रोल फुल कराते हैं यहाँ से, सो निकलते हैं। ये यहाँ पे कोई पेट्रोल स्टेशन है तो मज़ा आ गया। खैर गाइस, हमने पेट्रोल फिल किया और ये हम आए हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, यहाँ देखें काफ़ी कोचें भी रुकी हुई हैं, किसी कंट्री से ला रही होंगी। सो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मतम अयादा आयद कुछ ऐसा करके इसका नाम है। सो अभी अंदर क्राउड है अच्छा खासा, चलते हैं और चल के हसन भी और आमिर अंदर, आमिर भाई ऑर्डर किया है इन्होंने, चल के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्राउड है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, यहाँ पे फुल है रेस्टोरेंट। तो हसन भाई क्या ऑर्डर किया आपने? हमने ऑर्डर किया है शुबाया, ओके, फॉर 3 persons एंड देन ऑर्डर किया है 1 plate बीफ जी, रोटी के साथ। चलें भाई, तो 3 लोगों का ऑर्डर हो गया, बैठते हैं क्योंकि यही मिला है अभी, आगे फिर कुछ नहीं मिलना, कहाँ मिलना है, तो हमको जहर है, जो भी मिलता रास्ते में रुक के खा लेते हैं, अभी यहाँ पे बैठ के खाते हैं, तो मज़ा आएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है। ज़बरदस्त सर्विस है भाई की, भाई ले भी आए हमारा ऑर्डर, ये देखें। एक ये हमने मंगाया, ये चिकन है वो जो गोल गोल ग्रिल में बनता है, ये रोटियां हैं, ये बीफ आ गया है, बस ये देसी खाना है हमारा। सो भी हम लोग खाने लगे हैं यहाँ पे, हम खा रही है, ये भी खा रहे हैं भाई लोग, अभी हम लोग भी खाने लगे हैं, बस खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अभी खाना भूख लगी, इफ्तार किया है, रोज़ा खोला है रास्ते में खजूर और पानी के साथ, तो खाने के बाद मुलाकात होती है। खा चुके हैं, ये हम उठ भी चुके हैं, देखिए वहाँ बैठ भी चुकी है, इतना बैक टू बैक फुल चल रहा है ये रेस्टोरेंट, बस देख सकते हैं मज़ा आ गया खाना खा के। अभी हाथ भी मैंने धोने, ये लोग गए हुए हैं, पानी पिया थोड़ा सा, चाय लेते हैं बाहर निकल के, फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और अलमराई के दूध लेते हैं यहाँ से निकल के। तो जब तक आप लोग आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे। ये दोस्त हैं जो लाए थे खाना हमारे लिए, क्या हाल है भाईजान? पाकिस्तान कितों पिंडी को लगे ना भाई, की ना है तैमूर साहब, यार मज़ा आ गया खाना खा के यार। वो भाई इनको ऐड किया हमने, पॉइंट का तंदूर दिखाते हैं थोड़ा सा आप लोगों को ले चल के, क्राउड है सारा यहाँ पे। ये उस्ताद जी हमारे रोटी लगा रहे हैं, उस्ताद साहब क्या हाल है, ठीक है? कौन से वाले? चौधरी साहब। चलो ये पेड़े बन रहे हैं, व्यूअर साहब देखिए यहाँ पे फुल कटिंग हो रही है पेड़ों की माशाल्लाह, और ये तंदूर में रोटियाँ लगा रहे हैं भाई। सो ठीक ठाक हैं आप? चलो थैंक यू। अच्छा माशाल्लाह, चलो अभी मज़ा आ गया सबसे मिल के। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, खाना भाई का व्यूअर, जब तक आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कहाँ से हैं? अरे क्या बात है, आपसे मिलके अच्छा लगा। और उस्ताद साहब आपका क्या नाम है? अहमद इलियास साहब। भाई रोटियां लगा रहे हैं जबरदस्त, ये देखें वीआईपी तंदूरी, ये सो जबरदस्त हो गया भाई। आफ्टर फूड गोइंग टू हैव अ टी। सो
दिस इज दीवानिया अलमसाल मजाक, जो भी चाय का नाम है। सभी चलते हैं यहाँ पे, चल के हम चाय लेते हैं। यहाँ मेरे भाई हैं, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त शॉप है भाई। ये पूरी ड्राई फ्रूट की यहाँ पे देखें लगी हुई है डेकोरेशन। और ये हसन भी क्या लिया आपने, क्या है ये? ये बादामों की गचक। ये बादामों की गचक, बादामों की गचक, गचक ये मैंने नया नाम सुना है। तो ये भी बार आप देख सकते हैं, मज़ा आने वाला है। अभी मैं इसको खाऊंगा फुल मज़े। तो इधर चाय बन रही है हमारी, यमनी शॉप है ये, सब सजा हुआ है उन्होंने बेहतरीन। यहाँ पे डेकोरेशन है, मैं खा भी रहा हूँ बोल भी रहा हूँ आप लोगों से। ये थर्मास पानी। और यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, ये चाय के बड़े बड़े कप देते हैं लोग। ये साइज है, ये देखें साइज, हमारी भी चाय आने वाली है, अभी तैयार हो रही है। The tea is ready here. We are going to receive our tea. This person is packing for us this sweet. As I show you, we took very nice. I love it. Hasan bhai, done? Everywhere card payment? He loved. Vlog, YouTube. Kitna hua bill? What is discount? How much discount for YouTuber? नो डिस्काउंट अरबी, बड़ी मुश्किल में ऑर्डर की थी ये। हां कम कम फलूस, कम फतूरा खुलो मैंने करा दिया। हमें भाई या अल्लाह गाइस, वी कैन स्पीक अरबिक हियर, नो इंग्लिश। स्पीक अरबिक, इफ यू स्पीक अरबिक यू सरवाइव। शुक्र, सो यल्ला वी डन द टी। वेयर इज माय टी? ओके यल्ला, वी आर गोइंग आउट। सो दिस इज अ नाइस एनवायरनमेंट अराउंड मी, यू कैन सी पेट्रोल स्टेशन। So, yalla, let's go. We take the tea, we drink, we drive, we enjoy. So, inshallah, by tomorrow till 4 o'clock, we will be there in Makkah. Before Miqat, we have to stop to wear the ihram and starting Talbiya. So, keep watching. And here, look at the rush. Look at the coach, back to back, cars are placed. Our car is this. Look at the kachre ka shapa rakha hai coach walon upar se. Aisi phasai hai ki ab hum nikalenge kaise? हसन भाई ये तो फंसा दिया इन्होंने गाड़ी। ये कोच के ड्राइवर को आवाज़ दें, इसको बोले आगे पीछे करे और हम निकालें गाड़ी। स्टफ तो यह एक सुपर मार्केट है, यहाँ से हम लोगों ने जूस लिए हैं और वो खजूर वाला फ्लेवर का दूध लिया है। और ये है, ये गाड़ी है, अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी मुझे लगता है हसन भाई पीछे पहुँच गए और ड्राइव मुझे करनी है, मुझे लग ही रहा है। तो डेट्स फ्लेवर ले लिए, अभी निकलते हैं। और ड्राइव में मैं फंसने वाला हूँ, जो मेरा मूड नहीं था, मैं चाह रहा था व्लॉगिंग करता रहूँ, लेकिन हसन भी मेरे जाने से पहले पीछे भाग गए। हिम्मत उनकी यार, उन्होंने माशाल्लाह मेरे ख्याल में 700 किलोमीटर ड्राइव कर ली है। अब ऑफ कोर्स उनकी बस होनी चाहिए। यहाँ से हमने ले लिया ऑलरेडी, जो मैं दिखा नहीं पाया। अभी गाड़ी में चल के पीते हैं और ड्राइव आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं। निकल ये भाग गए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत है, उन्होंने 700 to 800 किलोमीटर ड्राइव कर ली है। नाउ इट्स माई टर्न, सो अभी मैं ड्राइव करने लगा हूँ। सो जो व्लॉग है इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है। इंशाल्लाह से वीवर, हम लोग ये मिकात पहुंच चुके हैं ताइफ के। अब यहाँ से मक्का है 80 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 3:15, सहरी भी करते हैं यहीं पे। और माशाल्लाह फिर यहीं से एहराम पहनेंगे, गुस्ल करके फिर चलते हैं मक्का की तरफ उमरा करने के लिए। सो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बस 80 किलोमीटर है बाकी मक्का यहाँ से। तो यहाँ पे एहराम की दुकानें हैं, ये देखें, ये आप एहराम ले सकते हैं, जूते हैं, एहराम है, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। बाकी बहुत है यहाँ पे, क्राउड अच्छा खासा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये एक रेस्टोरेंट है मतामदार दार अल मिकात, नाम इसका यही है भाई। तो चल के खाना खाते हैं, लोग अंदर खा रहे हैं। चले सर भी, टाइम नहीं है, टाइम इज़ वेरी लेस, हम ऑर्डर करें और खाएँ चल के जल्दी जल्दी। ये लाइटें जगमगा रही हैं, रमदान करीम, तो ऑर्डर करते हैं भाई और खाते हैं। व्यूअर्स ये सहरी हो रही है भाई, मिल यही रहा है यहीं पे।
और ये खुबुस के साथ खाना पड़ रहा है, अल्लाह इनको दुआ दे। ये खुबुस और ये चिकन और कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं यही है भाई। हसन भी कैसे, यही खाना पड़ रहा है, चलें खाएं खाएं। आमिर भी तो मसालों ने बोला जान दो, तो ये खा रहे हैं भाई। तो सहरी माशाल्लाह हो रही है हमारी, यही हो रही है जो मिल रहा है, अब क्या करें, खाना है। और सहरी बस अभी आधा घंटा रह चुका है ख़त्म होने में, हम निकात ये मक्का जैसे बताया पहुँचे हैं, यहीं पर ये रेस्टोरेंट है, खा के यहीं से गुसल करके आराम पहन के निकलते हैं आगे। सो कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों को आगे लेके चल रही है। देखें सारी शॉपें हैं ये राइट पे, आराम आप ख़रीदें। हमने यहाँ पे सहरी की है जैसा कि, यही मिकात है बस, ये आगे मस्जिद है मिकात की। ये पुल से नीचे उतरेंगे राइट पे तो मिकात की मस्जिद है इंशाल्लाह। फिर यहाँ से गुसल करते हैं, वो रहा मीनार, वो जो ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को। माशाल्लाह ये हम पहुँच गए हैं सहरी करने के बाद। ये पूरा मिकात है, ये मस्जिद है मिकात तैफ की। देखें रश देखें, और उधर से बसें लगी हुई हैं काफ़ी, ये कारों की पार्किंग है। ये हसन भी और आमिर भी आराम निकालते हुए गाड़ी से। सो अभी चलते हैं, फजर भी पढ़ते हैं, कसर नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर गुसल करते हैं, आराम पहनते हैं, और फिर इंशाल्लाह तलबिया करते हुए यहाँ से निकलते हैं हम लोग। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वन बाई वन। बिहाइंड मी आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, ये मेरे पीछे ये मस्जिद है, यहीं से हम गुसल करेंगे, यहीं पे नियत करेंगे, दो रकात पढ़ेंगे तरह इसकी अहराम पे रहने के बाद उम्रा की, और निकलेंगे आगे।